जैसे ही टोरेन का नाम लिया हूं तो समझ लो उन्होंने उनके जितने आदमी थे मुझे पकड़ के साइड में घसीट लिए। जो इलेक्शन वो लड़े थे टोरेन के मुद्दे पे लड़े तो उस मुद्दे पे वो जीत के भी आया, मुझे ऐसा पकड़ के ढकेल के साइड में किया गया। बस ये टोरेन का नाम लिए डायरेक्ट मुझे ऑफिस में, ऑफिस में उसे धक्का देकर साइड कर दिया। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। टोरेंट के मुद्दे पर भिमंडी में घमासान मच गया है। भिमंडी के समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख भिमंडी के औचित पाड़ा में अपने दौरे पर थे और इसी दौरान एक शख्स ने विधायक रईस शेख से टोरेंट के मुद्दे पर सवाल पूछ लिया, क्योंकि असेंबली इलेक्शन के दौरान भिमंडी में टोरेंट पावर का मुद्दा वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा। उस वक्त हर नेता ये दावा कर रहे थे कि हमें जिताइए, हम टोरेंट पावर को हटा देंगे। टोरेंट पावर के सवाल पूछे जाने पर विधायक रईस शेख के समर्थकों ने सवाल पूछने वाले शख्स को पीछे हटा दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही है। सवाल पूछने वाले शख्स का कहना है कि रईस शेख यहाँ के विधायक हैं, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर किससे पूछेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये भी कहा गया है कि जिसे सवाल पूछना है वो रईस शेख के ऑफिस में जाकर उनसे सवाल पूछे। मगर इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी द वॉइस की टीम ने जो सवाल पूछा था, जो शख्स ने रईस शेख से, उससे बातचीत की है। इस वीडियो जो वायरल हुई है उसके संबंध में और टोरेंट पावर के संबंध में क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। भाई आज यहाँ पे जुम्मा के दिन शाम में 6 बजे 7 बजे के करीब आमदार रईस शेख साहब जो है यहाँ पर दौरे के लिए आए थे। उसके बाद मालूम पड़ा है कि यहाँ पे टोरेंट को लेकर कुछ लोगों ने सवाल किया, उसमें धक्का मुक्की हुई लोगों की, तो क्या था पूरा मामला स्टार्टिंग से बताइए। देखिए आज हमारे इष्ट के MLA रईस शेख साहब यहाँ पे हमारे वार्ड में आए थे, तो लोगों ने अपना अपना मुद्दा रखा। कोई रोड का पूछा, कोई उसका पूछा, टॉयलेट का पूछा, कोई गली का पूछा। तो लेकिन जैसे ही मैंने टोरेंट के बारे में सवाल करने के लिए गया तो मुझे पहले तो जाने से उनके लोगों ने रोका, धक्का मुक्की देके साइड में किया। फिर भी मैं कैसे वैसे पहुंचा और मैंने बोला सर 2 मिनट आपसे मेरे को बोलना है, तो बोले बोलिए। तो मैंने बोला आप टोरेंट का जो मसला है, तो जैसे ही टोरेंट का नाम लिया हूं तो समझ लो उन्होंने उनके जितने आदमी थे मुझे पकड़ के साइड में घसीट लिए। और रईस शेख साहब जो है वो भी बोले कि ऑफिस में आओ तो बात करेंगे। अरे ऑफिस में कैसे हम जाके बात करेंगे, पहले आप ये बताओ। हम वो जो चुन के आए हैं, जो इलेक्शन वो लड़े थे, ये मुद्दे पे लड़े थे, टोरेंट के मुद्दे पे लड़े, तो उस मुद्दे पे वो जीत के भी आए अल्हम्दुलिल्लाह। अब वही सवाल हम पब्लिक के बीच में पूछेंगे कि ऑफिस में जाके पूछेंगे उनसे। तो आपने जैसा कि बताया कि लोगों ने घटन के बारे में, रूप के बारे में पूछा, उसके ऊपर क्या आश्वासन लोगों को जवाब मिला? आश्वासन यही दिया कि भाई हमारी सरकार थी गिर गई है, हमारा 8 करोड़ का आया 35 करोड़ का फंड था वो रुक गया है, हम देखेंगे करेंगे, यही सब बोल रहे थे। तो आपका आमदार साहब से पहले भी कुछ विवाद हुआ है? नहीं बिल्कुल नहीं। तो अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील? हम यही अपील करना चाहते हैं कि वो देखो उनको सबने वोट दे के उनको जिताया है, चाहे हम कोई भी पार्टी से हो, चाहे कोई पार्टी से थे, लेकिन हमने सबने उनको वोट दिया है तो जीते हैं। तो अब वो ये मुद्दे पे जीते थे कि हम टोरेंट को भगाएंगे, क्योंकि आज टोरेंट की इतनी ज्यादा गिरी है, आप देख सकते हो कि पहले 100 यूनिट पे था, अभी 50 यूनिट पे उनका बिल बढ़ता है, और विजिलेंस इतना करता है और इतनी पावर जाती है यहाँ पे टोरेंट की, हर दिन में 2 मरतबा कटौती होती है। लेकिन वही चीज अगर हम बोलने गए पब्लिक को, हमारे मोहल्ले वाले को तकलीफ है, वही सवाल हम करने गए तो हमको सवाल करने ही नहीं दिया गया, ढकेल दिया गया। उनके इतने आदमी ऐसे हैं कि कोई अगर टोरेंट का मुद्दा करेगा या टोरेंट के बारे में पूछेगा तो सीधा उनके आदमी जो है हमको ढकेल के, या कोई मैं हो या चाहे कोई और हो, वो ढकेल के साइड में कर देंगे। मुझे ऐसा पकड़ के ढकेल के साइड में किया गया है। पूछ सकते आप जो इतने हैं सब मौजूद थे मोहल्ले के। इनके बाजू में था। बस ये टोरेन का नाम लिए डायरेक्ट बोले ऑफिस में उसे धक्का देकर साइड कर दिए। तो और बोले कि पूरा प्लानिंग चाहिए ऐसा वैसा, मतलब कुछ भी बोल दिए। अब हम बोलेंगे तो क्या प्लानिंग करेंगे भाई, हम सुने कि आमदार साहब आ रहे हैं तो हमको खुशी हुई कि चलो हमारी कोई 2 बात हम रखेंगे बोलेंगे, तो इसमें प्लानिंग क्या है?
अच्छा एक बात मुझे ये बताइए कि अगर सच में आपको अगर अपनी बात रखना है तो वो ऑफिस में गिरा, ठीक है, तो वहाँ भी आते आप भाई? जब उन्होंने परी महफिल में मोहल्ला मोहल्ला घूम के अगर बोलते हैं कि आप मुझे वोट दो, मैं टोरेंट को भगाऊंगा, मैं टाटा लाऊंगा, मैं रिलायंस लाऊंगा, मैं वो कर दूंगा, ये लोग को भगा दूंगा, तो वही सवाल अगर मैं पब्लिक के बीच में पूछना चाहता हूं तो उसमें हर्ज क्या है?